कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था। जिस घर को गिराया जा रहा था वहां लोग मौके पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां प्रदर्शनकारियों ने खुद को आग लगाने की धमकी भी दी। प्रदर्शन के दौरान ही अचानक वहां झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें मां बेटी जिंदा जलकर मौत के गाल में समा गए। इस मामले में परिवार वालों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव के दबंगों के साथ मिलकर उनकी झोपड़ी में आग लगा दी है, जिससे उनके मां और बेटी की जलकर मौत हुई है। वे लोग किसी तरह बचकर निकले। इस मामले में कमिश्नर राजशेखर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है, परिवार से उनकी बातचीत हुई है, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अग्निकांड में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच करवाई जा रही है कि आखिर झोपड़ी में आग कैसे लगी और कैसे मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हुई है। रिपोर्ट हलचल डिपार्टमेंट के रुआ थाने में एक घटना हुई है, परिवार ने आरोप लगाया है, क्या जानकारी हुई, किस तरह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है, जिसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे, उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी, किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। समस्या कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं, वो न्याय करेंगे, इसलिए भेजा गया है कमिश्नर साहब को भी। हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी के नुमाइंदे हैं, इसीलिए आए हैं कि इनको उचित न्याय मिले। दो लोग भी हैं, लेखपाल से लेकर A to Z जो भी इस पर गुनाहगार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये परिवार ब्राह्मण परिवार है और हम समझते हैं बहुत खुददार होता है ब्राह्मण, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको न्याय चाहिए, ये सच है। और हम भी इस बात के लिए कह रहे हैं, हमारा मन बहुत दुखी है। मतलब कार्रवाई बहुत जल्द होगी, जो भी दोषी होगी मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संज्ञान में लेंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। झोपड़ी में महिला और बच्ची जल, लड़की जल गई है, परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने जबरदस्ती जला दिया है। देखिए, हम अभी मंडोली गांव में हैं, इस पे मेहता तहसील पे, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इस पर, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखिए तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस पे, उस परिवार के, इसको देखते हैं और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा और डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई इस पर की जाएगी और परिवार को भी जो है जो भी सुरक्षा परिवार को भी चाहिए, सुरक्षा भी जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे साथ में हैं और माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे साथ में हैं और परिवार के साथ लगातार हम लोगों ने जो है कंटिन्यूसली उनके पिताजी से भी, उनके बेटे, छोटे बेटे और उनके जितने भी रिलेटिव थे सब लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत किया है और घटना का पूरा पहले से सिलसिलावार जो है जानने की हम लोगों ने कोशिश की है। जो भी कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होगी और जो है विस्तृत रूप से जाँच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा।